दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एक आरोप लगाया है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं के अस्तित्व और उनके औचित्य को कमजोर करने का काम कर रही है। भारत के संविधान की रीढ़ ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और ये भारत की सरकार शासन तंत्र है जिस पर ये संविधान की प्रस्तावना के उपरांत उसको लागू करने का जो भार है वो इनके ऊपर है। सरकार ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं पर चोट की है, आज सीबीआई का जो दुरुपयोग सामने आ रहा है, सीबीआई के हटाए गए डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के सामने चार पांच संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है जासूसी करते हुए। जानकारी करने पर पता लगा कि वो खुद सीबीआई के लोग थे। आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि सीबीआई को सीबीआई के खिलाफ ही जांच करनी पड़ रही है? मामला यह है कि सीबीआई की जांच जब राफेल के दरवाजे तक पहुंची तो प्रधान सेवक की नींद टूट गई और रात के 2 बजे भी उन्हें कार्रवाई करनी पड़ी। ये सरकार बिल्कुल किसी भी स्तर पर नियम कानून संविधान और लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है। आज भी अगर किसी को लगता है कि यह सरकार अच्छा काम कर रही है तो वास्तव में वह देशद्रोही की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जिस वक्त 26/11 का अटैक हिंदुस्तान में हुआ, मुंबई में अटैक हुआ आतंकवादियों का, उस वक्त प्रधान सेवक राज्य के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने अपने पूरे जासूसी तंत्र को केवल एक लड़की की जासूसी में और उसके पीछे लगाने का काम किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट को दरकिनार कर मोदी जी अपने व्यक्तिगत कार्यों में उलझे रहे। आज भी स्थिति यही है कि अपने उद्योगपति दोस्तों को बचाने के लिए, चाहे उन्हें सीबीआई के किसी भी स्तर के अधिकारी का, जजों का या मीडिया को हरण करने का और हनन करने का, दोनों चीजों को काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया को गोद में लेकर बैठे हैं और जो मीडिया के खिलाफ सवाल उठाती है उसको कुचलने का काम करते हैं। इसके अलावा देश में हमारे कार्यकर्ता अगर कोई आवाज उठाते हैं, मनोज दुबे नाम के कांग्रेस के एक नेता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वह बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बोलते थे। यह गोडसेवादी मानसिकता आज भी इनके जहन में है जो देश को बहुत कमजोर करने का काम कर रही है। मित्रों, याद रखिए कि हिंदुत्व की चाशनी में लिपटा हुआ ये मोदी सरकार अंदर से कितनी जहरीली है, इसका अंदाजा आपके आने वाली पीढ़ियां जब इसको भुगतेंगी तब आपको अनुमान होगा। आज हम लोग आपको इसके लिए आगाह कर रहे हैं। इस गोडसेवादी मानसिकता की सरकार जो दूसरे की हत्या, लूट, खसोट और सीबीआई जैसी संस्थाओं को भी कमजोर करने का काम कर रही है, याद रखिएगा कि वह दूर नहीं है जब देश में अराजकता का माहौल केवल भाजपा के उद्योगपतियों को बचाने के प्रयास में ही खड़ा हो जाएगा। आप सब लोग इसको बचाने का काम कीजिए। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का पूरी ताकत से सहयोग कीजिए। हम लोगों को आपकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जनता का आदेश ही लोकतंत्र में सर्वमान्य है। जय हिंद, जय भारत।